हेलो फ्रेंड्स आई एम सोनाली बैक विद अनदर जी डी टॉपिक फॉर आर प्रिपरेशन फॉर एयर फोर्स फेज टू तो आज के लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आज हम बात करेंगे को एजुकेशन के लिए तो अगर आपके पास जी डी टॉपिक आता है को एजुकेशन तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बोलनी है क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इस टॉपिक के लिए कंसिडर करनी है और अपना बेस्ट स्पीच देना है फॉर को एजुकेशन को एजुकेशन का मीनिंग क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस आर टॉपिक इन द वे वेर वील टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड को एजुकेशन क्या होता है साथ में पढ़ना वेन बोथ द जेंडर्स स्टडी टुगेदर, वी कॉल इट को एजुकेशन राइट सो पहली चीज जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इधर बाय सम फ्रेज अगर आपको आता है तो या फिर यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक बाय इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक इट ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से लेट्स बिगेन आर टॉपिक को एजुकेशन विच मीन्स दैट ऐसे करके हम इसको आगे इंट्रोड्यूस करेंगे और एज यू कैन डिफाइन द टॉपिक कि इसका मतलब क्या है इन तीनों ही वेज में यू कैन स्टार्ट अप विद योर जी ठीक है तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया को एजुकेशन एंड दिस इज द वे वील स्टार्ट लेट्स बिगेन आर टूडेज टॉपिक को एजुकेशन बाई वेरी ट्रू लाइन्स और ये कहने से मैं अपना स्टाम बार बार ये रिपीट नहीं करना चाहती कि फॉर टुडे आर टॉपिक इज़ को एजुकेशन इसलिए हमने थोड़ी सी अपनी लाइन्स डिफरेंट कर ली लेट्स बिगेन अर टॉपिक को एजुकेशन बाई वेरी ट्रू लाइन्स दैट इट इंस्पायर्स लर्निंग इन आर इन्वायरमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स रियल वर्ल्ड कम्युनिटीज क्या मतलब है कि को एजुकेशन एक ऐसी लर्निंग को इनक्रेज करता है जो रियल वर्ल्ड कम्युनिटीज की तरफ हमें ले जाती है मतलब रियल वर्ल्ड में यू कैन नॉट सेपरेट द टू जेंडर्स इन द रियल एंड एक्चुअल वर्ल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टुगेदर तो को एजुकेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है दोनों को एक साथ लेकर चलता है राइट right? नाउ हम इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे पर्सनली आई बिलीव ना पर्सनली से मतलब मतलब है दिस इज़ फॉर माई व्यू पॉइंट इन माई ओपीनियन ठीक है आई बिलीव दैट को एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर गर्ल्स एंड बॉयज फॉर द वर्ल्ड इन विच दे लिव नाउ इन माई बिलीव इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द बेस्ट वे दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर बो द जेंडर्स फॉर द एक्चुअल वर्ल्ड या फॉर द रियल वर्ल्ड ये सारी चीज़ें हमारी इंट्रोडक्शन में आएंगी व्हेन वी बिगेन आर जी डी वैन वी कम ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट द जी डी तब हम इस तरीके से कुछ स्टार्ट करेंगे राइट काइंडली जॉट डाउन ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू रिमेंबर वैन यू विल प्रैक्टिस यू विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स और प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है बोल कर करनी है ठीक है वंस वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट Now, ये बोलने और लिखने में डिफरेंट होता है जब आप बोलना शुरू करते हैं तो इट गोज फ्लो। आपको एक एक करके सारी चीजें बोलनी है देयर यू विल नॉट डिफाइन इट कि अब हम इसके मेरिट्स बताने जा रहे हैं ऐसे नहीं जब हम बोलेंगे तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे लेट्स बिगिन। लेट्स बिगेन आर टुडेज टॉपिक को एजुकेशन एंड दिस वे वी विल कंटिन्यू देन वंस द इंट्रोडक्शन इज डन विलकम टू दी मेरिट्स ऑफ को एजुकेशन कि को एजुकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो किसी भी जी डी को आगे बढ़ाने के लिए हम पहले उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसके एडवांटेजेस उसके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे कि को एजुकेशन हमें क्या क्या मेरिट्स प्रोवाइड करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उसके डीमेरिट्स पर नहीं जाएँगे राइट सो नाउ बाई लर्निंग इन अ को दी ज्यादा मेरिट्स यू हैव टू जॉट डाउन इन द नोटबुक सारे मेरिट्स हमें लर्न नहीं करने हैं हमें इनमें से कुछ एडवांटेजेस इसके लर्न कर लेने हैं ताकि हमारे पास अगर ये टॉपिक आता है विल बी एबल टू स्पीक तो पहला मेरिट बाई लर्निंग इन अ को एजुकेशन इन्वायरमेंट बॉयज एंड गर्ल्स कल्टिवेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट अब क्या की वर्ड्स हमें इसमें याद करना है Cultivate mutual respect. That means they start respecting each other, they start respecting both the genders, understanding, and support for one another. These all the qualities they learn while with, with the edu co education environment. Right? Next, students realize and appreciate their own individual value. As well as each other's value. So they start appreciating each other. Our students develop strength and independence. Now, these are all the keywords. These are all the keywords which we should consider. Our students develop strength and independence. And immersed as balanced and well-rounded individuals. Well-rounded individuals का मतलब होता है जब आप उनको पूरी personality को निखारते हैं। And how is it happen? Because of co-education environment. Because now you are dealing with both the genders, तो उनके बाद में चलके हेजिटेशंस नहीं होती हैं। They can easily open up with both the sexes, genders, right? So well-rounded individuals निकलके बाहर आते हैं because of co-education environment. next now this is again one more very important merit of co education that for a developing for a developing country like india it cannot afford to keep separate schools for boys and girls आपका कॉस्टिंग कम हो जाती है व्हेन वी आर गिवन द को एजुकेशन इन्वायरमेंट को एजुकेटेड स्कूल्स कॉस्टिंग कैसे कम हो गई क्योंकि एक ही स्कूल्स में दोनों बच्चे आगे पढ़ रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया तो फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल पॉलिसी राइट नेक्स्ट इन वन में न दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैरिज यू कैन लर्न दिस वन ऑल्सो इन वन वे इट इंक्रीज द लेवल ऑफ मेच्योरिटी इन द स्टूडेंट्स

When right from the beginning you study in such an environment where both the genders are available, so this shyness or hesitation comes between the opposite sex. Sex thus helps to overcome the fear of opposite gender. Thus it helps to overcome the fear of opposite gender. And in the family also you are dealing with your sisters, your mothers everywhere. So this whole system. हेल्प्स यू टू ओवरकम द फ़ियर ऑफ अपोजिट जेंडर अब ये सारे मेरिट्स के साथ प्लीज रिमेंबर एज आई ऑलवेज से दैट विद एवरी मेरिट यू हैव टू अटैच प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात बोलनी है लाइक फॉर एग्जाम्पल आई बीन स्टार्टिंग इन अ को एजुकेटेड स्कूल एंड आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन फील इट दैट आई डोंट हेजिटेट वेल स्पीकिंग टू गर्ल्स और वेल स्पीकिंग टू बॉयज बिकॉज दिस वॉज द ट्रेनिंग दिस वॉज द लर्निंग्स गिविन राइट फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम आर स्कूल्स तो ये इस तरह के कुछ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स आपको अपने मेरिट्स के साथ अटैच करके अपने जी डी को आगे बढ़ाना है ठीक है वंस यू आर डन विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ को एजुकेशन हम आएंगे इसके डी मेरिट्स पर कि अब इसके नुकसान क्या है सो वील अगेन से लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइज या एवरी स्टैब्लिशमेंट हैज़ प्रोज एज वेल एज कॉन्स हैंस इड ऑफ द्वाइन अगर हम थोड़ा सा इसको पलट के अदर साइड ऑफ देयर आर डी मेरिट्स एज वेल तो कुछ इसके नुकसान भी हैं क्या नुकसान है नाउ नंबर वन अगेन दिस इज चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को एजुकेशन सिस्टम प्रमोट्स चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस टीन एज इज अ डेंजरस फीस इन एनी बडीज लाइफ हैंड्स पेरेंट्स व को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वुड बी द राइट चॉइस फॉर द किड्स वुड बी द राइट चॉइस फॉर द किड्स मतलब पेरेंट्स को थोड़ा फेयर होता है कि अगर हम अपने बच्चे को को एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन्स में डालते हैं द मे गेट डिस्ट्रैक्टेड तो ये इसका एक डिमेरिट है नेक्स्ट अनथिकल एक्टिविटीज शायद थोड़ी ज़्यादा हो को एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन्स में कैसे क्राइम्स आर बिकम कॉमन मैन बोथ द जेंडर्स आर पुट अप अंडर द सेम रूफ या पुट अप इन द सेम एजुकेशनल इन्वामेंट सो दीज आर डी मेरिट्स विच कैन बी इग्नोर पर आप एक दो डी मेरिट्स अपने उसमें बोलेंगे तो यू कैन सी एनी एनी वन एनी वन और टू जो भी आपको इसमें याद है एंड लास्ट वेन यू आर डन विद द डीमेरिट्स ऑफ को एजुकेशन डीमेरिट्स हमें कम ही बोलने हैं हमें पॉजिटिव एक्सपेस्ट ज्यादा बोलने हैं उसके बाद थोड़ा सा डीमेरिट्स बोल के यू विल कंक्लूड योअर पार्ट कैसे दो दीज आर फ्यू ड्रॉबैक्स बट स्टिल इट्स अ बेस्ट वे विच वर्क एंड वर्क टूवर्ड्स मेंडिंग द गैप मेंडिंग द गैप इज बीच का गैप कम करने के लिए बिटवीन द जेंडर्स एंड बिल्डिंग अ ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप ठीक है उनमें फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाए इसके लिए दिस इज द बेस्ट वे नेक्स्ट इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट एक्चुअली इट्स अ गुड एक्टिविटी इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन विच हेल्प्स अ लॉट इट हेल्प्स टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स बिटवीन द बोथ द जेंडर्स अगेन देन कॉन्फिडेंस लेवल

तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी